हो सकता है ये कहानी सुन के आपको लगे कि अरे क्या मैं पत्थर हूं, क्या मैं मिट्टी हूं, क्या मैं कपास हूं, कि क्या मैं एक मिस्री हूं। हे हाय, आज एक और कहानी लेकर आए आपके सामने जेन की दुनिया से। पहले ही बता दे, जेन के मास्टर्स जो होते, जेन गुरु जो होते, ये ज्यादा बात नहीं करते, ये बहुत कम बातें करते हैं। एक गांव से गुजर रहे थे मास्टर, गुजरते गुजरते कोई ज्ञानी कुछ लोग मिल गए। ज्ञानी लोग ने घेर खड़ा कर दिया और कहा कि क्या आप हमको बता सकते हैं एक अच्छा मनुष्य की क्या प्रकृति होती है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ गुड ह्यूमन, कैसे पहचाने जाए। जेन मास्टर ने कहा ठीक है बैठ जाओ। सबको बिठा दिए, अपने झोले से चार ग्लास निकालते, कांच की ग्लास, इसमें पानी भरते हैं और पहले अपने झोले से एक छोटे से मूर्ति लेते हैं, पत्थर की मूर्ति, वो उस ग्लास के अंदर डाल देते हैं। दूसरा वह भी मूर्ति, मिट्टी की मूर्ति, वो उस ग्लास में डाल देते दूसरे वाले। तीसरा कापूस, कपास, कॉटन की एक मूर्ति, वो तीसरे ग्लास में डाल देते हैं। और चौथा शुगर क्रिस्टल्स, मिश्री के एक छोटी सी मूर्ति, वो चौथे वाले ग्लास पर डाल देती है। सामने वाले बंदों को कहता है कि देख लिया आपने, यही जिंदगी है, ऐसे ही प्रकार के मनुष्य होते हैं, और अगर आपको समझ में आया तो मैं चलता हूं। ये चारों ने एक दूसरे को देखा और कहा ये क्या है, हमको तो कुछ भी नहीं समझ में आया, अच्छा इंसान क्या होता है। तब जैन मास्टर ने कहा फिर तुमको समझाना पड़ेगा, तो मैं रुक जाता हूं। अपने झोले को नीचे रखते हैं और इनको समझाने लगते हैं। वो कहते हैं कि पहला वाला जो मूर्ति है ना, वो पत्थर का है। ऐसे प्रकार के मनुष्य होते हैं जो केवल अपने को संभालने में लगे रहते हैं, मैं, मेरा, मैं ठीक रहूं, पानी कैसे भी रहे, पानी बाहर निकले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, समाज में मैं टिका रहना चाहिए, मेरा सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बाकियों का मुझे कोई लेना देना नहीं। इस प्रकार के लोगों को कहते हैं स्टोन काइंड ऑफ पर्सनैलिटी। दूसरा आपने देखा होगा मिट्टी। मिट्टी देखो कैसे पानी के साथ घुल गया और पानी का पूरा कलर, पूरा रंग बदल दिया। मिट्टी के अंदर बैक्टीरियाज है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, कीड़े हैं, अर्थवर्म्स है, ऐसे बहुत सारे चीज इसके अंदर है, वो मिट्टी ने पानी के साथ मिला लिया। इसका ये मतलब है मिट्टी जहां जाएगी वहां पे प्रदूषण फैलाएगी, वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इट विल पोल्यूट द एनवायरनमेंट अराउंड, अच्छे लोगों के बीच में जाके भी उनको बिगाड़ देगी, ये अपनी प्रकृति वहां पर जाकर बिगाड़ देगी। ऐसे भी तरह के लोग होते हैं जो अच्छे समाज में जाके अपनी प्रकृति स्प्रेड करके वो उसको बीमार कर देंगे। तीसरा जो आपने देखा वो है कपास। ऐसे भी लोग होते हैं जो केवल और केवल लेना चाहते हैं, दूसरों से लेओ, दूसरों से छीनो, मैं बस अपने पास खींचते रहूंगा, देने में तो मेरा विश्वास ही नहीं है, मैं कुछ दे नहीं सकता, पर मैं लेता रहूंगा, दूसरों से जितना ले सके उतना मैं लूंगा। चौथा जो प्रकृति का इंसान है वो मिस्री की तरह है। मैं आपको समझाते समझाते वो उस पानी में घुल गया, उसने अपने आप को पानी में घोल दिया, यहां तक कि उसने पानी में मिठास ला दी, यहां तक कि जूस के भी साथ मिलता है उसमें एक मिठास लाता है। और एक कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है भारत में, तुम मिस्री बन जाओ, चींटी स्वयं तुम्हें ढूंढते हुए आ जाए। तो ऐसे प्रकार के बहुत कम लोग होते हैं समुदाय में जो अपने आप को मिस्री समान घोल कर, त्याग कर मिठास फैला सके समाज में। हो सकता है ये कहानी सुन के आपको लगे कि अरे क्या मैं पत्थर हूं, क्या मैं मिट्टी हूं, क्या मैं कपास हूं, कि क्या मैं एक मिस्री हूं। आप एक तरह के नहीं हैं। समय के साथ कभी हम कपास बनते हैं, कभी हम पत्थर बनते हैं, कभी हम मिट्टी भी बन जाते हैं, और कभी कभी हम मिस्री बनते हैं। इस कहानी का उद्देश्य यही था कि हो सके तो आप जागरूक हो जाइए और जिंदगी में ज्यादा से ज्यादा क्षण मिस्री बनकर बिताइए। अपने आप लोग आपके पास आएंगे, चिट्ठी अपने आप आप तक पहुंच जाएगी।